नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार जो है झारखंड के स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा फायदा देने जा रही है। निजी क्षेत्रों में आरक्षण जो कहा गया था उसमें 40,000 तक के नौकरियों को इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी कि 30,000 तक की नौकरियां पिछली बार शामिल थी। कुछ संशोधन आने के बाद अब इसमें तब्दीली की गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में 8 या 9 तारीख को विधानसभा में यह बिल जो है वो पास होने के लिए आएगा। पिछली बार जो संशोधन मिले थे उसके बाद श्रम विभाग के अधीन प्रवर समिति को ये भेज दिया गया था मामला, और कहीं ना कहीं उसमें तब्दीलियां की गई थी। दोस्तों, यहां पर दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो वहां पर सोशल इंजीनियरिंग को लेकर सोशल स्तर पर किसी के साथ भेदभाव ना हो ये देखने की जिम्मेदारी तय की गई है। जिला स्तर पर पूरी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी तय की गई है। 75% निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लेकर एक तरीके से स्थानीय को, मतलब अब हर हाल में कंपनी को 40,000 तक की नौकरियों में स्थानियों का प्रतिनिधित्व जो है 75% देना होगा झारखंड के अंदर। एक तरफ जहां सरकार निवेशकों को झारखंड लाने के लिए नई उद्योग नीति जो है लेकर आई है, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला राज्य सरकार का है, और झामुमो के विधायकों ने इस पर जो है गहन मंत्रणा भी की है। कांग्रेस के विधायक भी इस पर साथ हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से कोई तब्दीली के लिए इस बार के भी विधानसभा सत्र में कुछ बातें उठते। यहाँ पर जो मेन तब्दीलियां हैं दोस्तों, 30,000 से बढ़ाकर जो है इसे 40,000 तक किया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ जो जिला स्तर पर पहले मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उपायुक्त को सिर्फ दी गई थी, अब श्रम नियोजन से जुड़े हुए अधिकारी और श्रम अधीक्षक और स्थानीय विधायक को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। जिला स्तर पर एक कमेटी होगी, वो कमेटी देखेगी कि जो कंपनी है वो सही में क्या लोगों को जो नियम कानून है वो फायदा पहुंचा रही है, क्या 75% लोगों को आरक्षण सीमा में यहाँ पर जोड़ा गया है। यहाँ पर दो तीन बातें और भी महत्वपूर्ण कहा गया है जो कि इस बिल में है कि कंपनी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जाति का भी ख्याल रखे। तो यहाँ पर SC ST OBC को भी विशेष रूप से कंपनियों को ख्याल रखना होगा ताकि सोशल दृष्टि से कोई भेदभाव ना हो। तो ये बिल जो है पास हो जाने के बाद झारखंड में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों का रास्ता प्रबल तरीके से जो है खुल जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कंपनियां किस तरीके से झारखंड सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय को जो एक्ट के रूप में लागू हो जाएगा उस पर किस तरीके से आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम झारखंडियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हेमंत सरकार की तरफ से। आगे भी हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।